हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। तो आखिरकार वो दिन आ गया जिसका आप लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार था, निमसेट 2022। कल आप लोगों का एग्ज़ाम है। आप सभी लोगों ने, किसी ने 2 साल से, किसी ने 1 साल से, किसी ने 8 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने, कड़ी मेहनत की है। हो सकता है आप एक्मे एकेडमी के साथ प्रिपरेशन किए हों, एक्मे एकेडमी का कोई फ्री स्टडी मटेरियल यूज करके प्रिपरेशन की हो आपने, एक्मे एकेडमी की फ्री टेस्ट सीरीज लेके प्रिपरेशन की हो, या आपने सेल्फ या कहीं और से प्रिपरेशन की हो। बट आज टाइम आ गया है कि जो भी आपने हार्डवर्क किया, जितना भी आपने हार्डवर्क किया, उसका रिजल्ट आपको मिले, उसका रिजल्ट आप अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को, या जिन्होंने भी आपको सपोर्ट किया उनको दे सकें। एग्ज़ाम का नाम ही बहुत डरावना होता है, तो डर स्वाभाविक है कि आपको डर लग रहा होगा। हो सकता है थोड़ा नर्वस होंगे कुछ बच्चे, अच्छे अच्छे टॉपर्स को भी मैंने नर्वस होते हुए देखा है। ये बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही स्वाभाविक बात है। बच्चों, आज इस सेशन के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ टिप्स जो आपकी रैंक को बहुत बूस्ट कर देगी। अगर आपकी रैंक 300 आ रही होगी तो डेफिनेटली इन टिप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी रैंक 200 या 150 हो जाएगी, आपकी रैंक को बूस्ट कर देगी। जनरली ये टिप्स आपको हर कोई देते होंगे, बट आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं भी आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स जो एग्जाम ड्यूरेशन में आपको बहुत हेल्प करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, आपने जो भी मॉक टेस्ट दिए एक्मे एकेडमी के, अभी तक जितने भी टेस्ट आप दे रहे थे लगातार 40 दिन तो मैंने टेस्ट लिए ही, आपको मॉक टेस्ट वो भी, तो आपने वहां पे अपनी जो भी स्ट्रेटजी बनाई थी उसी स्ट्रेटजी पे काम करना। डोंट चेंज द स्ट्रेटजी इन द लास्ट टाइम, मतलब आप अपने एग्जाम में जाके स्ट्रेटजी मत बदल देना, जो स्ट्रेटजी पे काम कर रहे थे वही स्ट्रेटजी बनाना। पहले मैथ्स करते हो तो पहले मैथ्स करना, जो भी आप करते हो वही करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कम टाइम में ज्यादा करने की कोशिश करना, मतलब बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप 20 मिनट में 300 नंबर का बना लेंगे, 200 नंबर का बना लेंगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बूस्ट हो जाएगा। तो मतलब इसका ये हुआ दूसरा पॉइंट कि आपको पहले उन चीजों को करना है जो बहुत ही कम टाइम में और आसानी से हो जाएंगी। आपके लिए पूरे 120 क्वेश्चन है, पूरे ही बनाने, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आपको टफ पार्ट ही बनाना है, आप इजी पहले बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इससे फायदा ये होगा, अगर आपने इजी पहले बनाया तो कम टाइम में, मान लो 1 घंटे में ही आपने अगर 400 नंबर का पेपर बना लिया, 350 नंबर का पेपर बना लिया, तो कन्फर्म है जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप और अच्छा कर पाएंगे। तो आप जब भी पेपर सॉल्व करना शुरू करें तो आप पहले प्रायोरिटी उन क्वेश्चंस को दें जो बहुत ही जल्दी हो जाएंगे। आपको कोई अगर क्वेश्चन याद है तो बिल्कुल आपको पैनिक नहीं लेना है, उसको टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है जस्ट फॉर्मूला बेस है, थोड़ा सा पेन चलाएंगे आंसर आ जाएगा, पहले आप उसे सॉल्व करेंगे। जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है सोचना पड़ेगा, अपनी अपना कह सकते हो दिमाग लगाना पड़ेगा, उनको आप बात के लिए छोड़ेंगे। ये मेरा दूसरा सजेशन है कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करना है कि हमारा टाइम कम हो और हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर करते जाएं, ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। तीसरा, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आपको ईगो सेटिस्फाई नहीं करना है, मतलब आपको सपोज परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से आता है, आपने बहुत प्रैक्टिस की है, ठीक है, बट एग्जाम में आपसे अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपको ऐसा नहीं कि आप उसको बनाते ही रहना है। आपने अप्लाई किया मेथड, आपने देखा अरे आंसर तो मैच ही नहीं किया, तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार, अगर फिर आप एक काम कर सकते, रिकॉल करें थोड़ा सा कि अरे कहाँ मिस्टेक हुई। अगर आपको मिस्टेक मिल गई तो ठीक है, उसे सुधार के आप आगे करिए सॉल्व, बट आपको लग रहा नहीं यार मैंने तो सही किया है तो मेथड ही नहीं है, इसका मतलब कंफर्म हो गया या तो वो क्वेश्चन टफ है, आप उसकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, या वो क्वेश्चन ही गलत आया है एग्जाम में। नर्वस नहीं होना है आपको कि यार इतना इजी क्वेश्चन का हमारा आंसर नहीं आ रहा, अब क्या होगा, आगे क्या होगा। नहीं, आपको किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से ऐसा उम्मीद नहीं रखना है कि वही एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन रोक देगा या सिलेक्शन बना देगा। आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, आगे बढ़ना है, थोड़ा काम रहना है, शांत रहना है, खुद पे विश्वास रखना है कि भाई मुझसे नहीं बना तो इंडिया में किसी से नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन या तो गलत है या तो बहुत ही टफ आ गया है। समझ लो मेरी बात को, ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा पॉइंट, कोई भी इजी क्वेश्चन तो छूटना ही नहीं चाहिए। अगर आपका कोई इजी क्वेश्चन ऐसा पेपर में है कि बाहर निकल के रहो यार इस क्वेश्चन को हम देख ही नहीं पाए, ये चीज तो गलती से भी नहीं होना चाहिए, जो कि मैं सेकंड पॉइंट में ही बता चुका हूं आपको, आप नोट कर सकते हो पॉइंट। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, आप जो स्ट्रेटजी फॉलो करते हो वही फॉलो करो। दूसरा पॉइंट,
कम टाइम में ज्यादा करने की कोशिश करनी है, मतलब पहले उन सेक्शंस को करो कि आप टाइम कम दो जल्दी बन जाए। जैसे कि मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ कंप्यूटर इंग्लिश को जल्दी से बना दो 10 से 15 मिनट में, तो होगा क्या कि आपको पता चल गया कि 100-120 नंबर का हमने बना दिया है और टाइम से 10 से 15 मिनट हुए। मैथ्स में गए कुछ क्वेश्चन याद थे या फॉर्मूला बेस्ड थे उनको पहले बना दिया, पता चल रहा है कि 15 क्वेश्चन मैथ्स के और बना दिए 200 नंबर हो गए, तो आपको ये पॉइंट याद रखना। दूसरा, तीसरा पॉइंट, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आपको ईगो सेटिस्फाई नहीं करना है। चौथा पॉइंट, कोई इजी क्वेश्चन पेपर में नहीं छूटना चाहिए। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट क्रिएट इल्यूजंस और डोंट क्रिएट टारगेट्स। प्रिडिक्ट मत करिए कुछ भी कि मुझे 45 क्वेश्चन बनानी है मैथ्स के, 45 बनानी है, पेपर पे डिपेंड करेगा क्योंकि आपने ना हर साल के पेपर देख लिए हैं। अगर आप निमसेट की हिस्ट्री देखेंगे तो 19 का पेपर टफ था जो लोग बोल रहे हैं, कट ऑफ भी डाउन हुआ, 20 के पेपर में कट ऑफ क्या था, 21 के पेपर में कट ऑफ क्या था, 18 कैसा था, हर तरीके का पेपर हो सकता है, पेपर कुछ भी हो सकता है, पेपर एक नए तरीके का भी आ सकता है। तो आपको कभी भी कोई भी स्कोर पहले से सोच के नहीं जाना है कि मुझे इतना नंबर लाना ही लाना है। हाँ, आपको अच्छा करना है ये इंपॉर्टेंट है, आपको अपना 100% देना है ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए पांचवा पॉइंट है। कोई टारगेट मत बनाओ, आपको बनाना है। आपने पढ़ाई किया तो बनेगा ऑब्वियसली, अगर मैथ्स इजी होगा तो 48 बनेंगे ना यार, मैथ्स टफ होगा तो 30 बनेंगे, 25 बनेंगे, बहुत टफ होगा तो 20 बनेंगे, एवरेज रहा तो 35 बनेंगे, 40 बनेंगे, वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई प्रीडिफाइंड होकर नहीं जाना है कि भाई हम ऐसे करना ही करना है, हम इतना टाइम देना ही देना है। आपको मैथ्स टफ लग रहा आप रीजनिंग ज्यादा बनाओ, रीजनिंग इजी लग रही मैथ्स रीजनिंग को जल्दी बनाओ ज्यादा बनाओ, रीजनिंग टफ लग रहा मैथ्स ज्यादा बनाओ। आपको कुछ भी फिक्स नहीं करना है, जाके बस देना है। और साथ ही साथ आपको कोई भी रैंक प्रेडिक्ट नहीं करनी कि यार इतने बनाएंगे तो इलाहाबाद मिलेगा, तिरची मिलेगा, उसके लिए हम हैं बेटा, पहले उसको आपको पेपर देना है, फिर बाद में देखते हैं कितने नंबर आए, क्या रैंक आई, कौन सा एनआईटी जाना है, चॉइस फिलिंग में किसे ऊपर डालना है, सब कुछ बताया जाएगा। बट अभी आपको ये पांच पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं, आपको ध्यान रखने, एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिए। साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स मैं ऐसे बता रहा हूं जो बाहर है, मतलब एग्जाम स्ट्रेटजी के नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, आपने लास्ट 15 दिन में 20 दिन में जो पेन यूज किया होगा उन्हीं खाली पेनों को लेके जाओ, नए पेन को यूज मत करना। देखा है मैंने कि लोग 3 रुपए के पेन में जिंदगी व्यतीत करते हैं अपनी और एग्जाम वाले दिन 20 रुपए का पेन लेके पहुंच जाते हैं सॉल्व करने के लिए। डोंट डू दिस। इससे होगा क्या कि अगर आप नए पेन लेके जाओगे तो हो सकता है 5 मिनट में आप 2 क्वेश्चन बना पाओ, बट अगर आप पुराना पेन लेके जाओगे तो हो सकता है 5 मिनट में 5 क्वेश्चन बना लो। ये होता है, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है इसका। तो आपने जो पेन यूज किए हैं जितने बचे इतना बचा है ले जाओ, 2, 3, 4 जब सब ले जाओ। ऐसा भी मत करना कि आप अभी तक सॉल्व पेन से कर रहे थे, आपको कोई सजेशन दे दे कि पेंसिल लेके जाओ और रबड़ लेके जाओ मिटा के रफ करना। रफ के लिए सफिशियंट पेज मिलते हैं, आज तक मुझे कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला जो ये बोलते कि सर रफ नहीं मिल पाया नहीं तो और क्वेश्चन बना दिए होते, सफिशियंट पेज मिलते हैं। आप ऐसा गलती मत करना, आप जो यूज करते थे पेन तो पेन, पेंसिल तो पेंसिल, वही लेके जाना है, सेम टू सेम वही लेके जाना है। आप एग्जाम टाइम में जो ड्रेस बैठ के पहनते थे, लाइक अगर आप नॉर्मल लोअर टी शर्ट में टेस्ट देते थे तो कल भी लोअर टी शर्ट में जाओ यार, कोई जरूरत नहीं है कि आप एकदम चुस्त दुरुस्त एकदम नए कपड़े पहन के पहुंच जाओ, जींस जींस पहन के नहीं, कंफर्टेबल जाओ। कुल मिला के जो आप करते आए अभी तक, आपने जितने भी एकेडमी के मॉक टेस्ट दिए हैं, 2 से 4 के बीच में बैठ के मॉक टेस्ट दिए हैं, बस वही चीजें जाके वहां पे बना देना है। आपको बस यही समझना है कि ये एक्मे एकेडमी का एक मॉक टेस्ट मात्र है, बिल्कुल रिलैक्स माइंड में देना है, बिल्कुल कूल माइंड में देना है और अपना 100% देना है। सोचना ही नहीं है कि हमारी एक्मे एकेडमी में यार एक बार मैंने टॉप किया था या मैं लास्ट आया था या मेरी रैंक नहीं आई, मेरे 200 नंबर आते थे, मेरे 150 नंबर आते थे। अच्छे, मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं अच्छे अच्छे जो बहुत अच्छा करते थे और अच्छा नहीं कर पाए एग्जाम में, और जो ऐसे भी थे जो टेस्ट में तो 100-150-200 नंबर लाते थे बट एग्जाम में उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया। बच्चों सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपने अभी तक जो भी किया, जितनी भी मेहनत की, उन सारी मेहनत को उठा के उस 2 घंटे में लगा देनी है। एक्मे एकेडमी आपका आपके साथ है, 2 बजे तक है, 2 से 4 मैं बस आपका साथ छोड़ रहा हूं, 4 बजे के बाद फिर मैं मिलूंगा आपको। बट याद रखिए 2 से 4 के बीच में मैंने जो आपको 2 घंटे के लिए छोड़ा है, आप अपना 100% करके आइए, अपना निकाल के आउट इनपुट दे दीजिए, पूरा इतना अच्छा करिए जो आपने अभी तक कभी नहीं किया। इतने मॉक टेस्ट दिए हो आपने अभी तक जैसा भी किया, उन सबसे बहुत अच्छा आपको कल के टेस्ट में करना है, क्योंकि कल का टेस्ट आपकी लाइफ चेंज कर देगा, आपके आने वाले 40 साल बदल देगा। आप याद रखिएगा,
ये टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ नहीं सोचना है एग्जाम टाइम पे, ना ये सोचना है कि यार तिरछी नहीं मिला तो क्या होगा, एनआईटी नहीं मिला तो क्या होगा, क्या करूं, फॉर्म भी नहीं डाला मैंने, कुछ भी मत सोचो कि मैंने एक्स्ट्रा फॉर्म नहीं डाले, एक्स्ट्रा कॉलेज सपोर्ट में नहीं है। सिर्फ एग्जाम टाइम पे क्वेश्चन और तुम होने चाहिए, कुछ भी नहीं सोचना है, अपना 100% दे देना है इस एग्जाम में। हम आपके साथ हैं, आगे भी आपके साथ रहेंगे, कल जाइए और अपना बेस्ट दे के आइए। कल का जो टाइम है 2 से 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग जानते हैं। तो अभी आपने बहुत पढ़ाई कर ली है, देयर इज नो नीड कि सर को छूट गया उसको पढ़ने, नहीं, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे सर कोने सेक्शन के फॉर्मूले याद कर लूं क्या, सर टेस्ट रिवाइज कर लूं क्या, आप कुछ नहीं करना यार, अब हो गया, अब जस्ट चिल करिए। अगर आप किसी होटल में पहुंच चुके हैं बढ़िया खाना मंगाइए, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खा लो कल फूड पॉइजन हो जाए, ठीक है, आराम से जो आप खाते थे नॉर्मल उसको थोड़ा अच्छा बना खा लीजिए, ठीक है, बढ़िया खाइए, सोइए, रिलैक्स रहिए, एकदम कूल माइंड में जाइए और एग्जाम दीजिए। बस इतना याद रखिए, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना वो इंडिया में किसी से नहीं बनेगा। इस तरीके के एटीट्यूड के साथ कल एग्जाम एंटर करिए और बाहर निकल के मुझे मैसेज करके बताइए कि सर इतने क्वेश्चंस बना दिए, इतने क्वेश्चंस, इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा आपको कौन सी एनआईटी मिल रही है, आप कहां जा रहे हैं। कल से वो सारी बातें करेंगे हम, बस कल के एग्जाम में आपको अच्छा करके आना है, मतलब अच्छा करके आना है। ये इम्तिहान है आपके उस हार्ड वर्क का जो आपने सालों साल महीनों से किया हुआ है, दिन दिन भर बैठ बैठ कर यहाँ पढ़ाई की है बच्चों ने, सुबह आते थे रात में जाते थे आप लोग यहाँ से, उन दिनों को याद रखना है और कल दम फोड़ के निकलना है, फायर कर दो एकदम पेपर पे, पूरा टैग मार देना और अपना 100% पोटेंशियल जो भी आपका है उसे देना। तो बच्चों फिर से विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर देना है, कुछ भी नहीं सोचना है, राइट, एग्जाम के बाहर निकल के आप कॉल मैसेज करिए, बताइए मुझे, अगर कुछ क्वेश्चंस याद है तो मुझे भेज दीजिएगा, क्वेश्चंस अगर कलेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिस्कस भी करेंगे हम लोग कल एग्जाम के बाद। विश यू ऑल द बेस्ट अगेन, कोई भी दिक्कत हो तो आप इन नंबर्स पे कॉल मैसेज कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।